हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं लेकर उपस्थित हूँ एक नया लेसन। जो लेसन है वो हमारे राजस्थान अध्ययन कोर्स से संबंधित है और इस नए लेसन में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। इस नए लेसन में हमने पहले जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हनुमानगढ़ जिले की प्राचीन सभ्यताएं। अब हम आज बात करते हैं उदयपुर जिले की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थलों की। उदयपुर जिले की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थल पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ उदयपुर जिले की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन और आंसर भी हम इसी वीडियो में करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर जिले की प्राचीन सभ्यताओं की। और उदयपुर जिले की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति स्थलों की बात की जाए तो उदयपुर जिले में 5 सभ्यता और संस्कृति स्थल है, जिनमें सबसे पहला है आर्य सभ्यता, जो कि ताम्रपाषाण युगीन, ताम्र युगीन और लोह युगीन सभ्यता है। दूसरी है बालाथल सभ्यता, जो कि ताम्र युगीन सभ्यता है। तीसरी आपकी है इसवाल सभ्यता। चौथी है आपकी वल्लभनगर सभ्यता और पांचवी आपकी झाडोल सभ्यता, जो कि ताम्र युगीन सभ्यता है। साथियों, हम इस वीडियो में मुख्य मुख्य सभ्यताएं जो उदयपुर जिले में पाई जाती है, जिनके की प्राप्त साक्ष्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्य सभ्यता की। तो आर्य सभ्यता जो है वो ताम्रपाषाण युगीन, ताम्र युगीन और लोह युगीन सभ्यता है। इनकी बात की जाए तो ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल और लोह युग काल कौन सा था? तो पाषाण काल था जो 5 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का जो काल था वो था पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो कि 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल ताम्रपाषाण काल था, और लोह युग काल जो 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान समय का काल लोह युगीन काल कहलाता है। तो साथियों, जो आर्य सभ्यता थी वो पाषाण युगीन, ताम्र युगीन और लोह युगीन की लगभग 4000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। बात करते हैं आर्य सभ्यता की। तो आर्य सभ्यता के दो नाम थे, एक नाम था प्राचीन नाम, दूसरा था उपनाम। प्राचीन नाम में पहली चीज आती थी ताम्रवती नगरी कहते थे, आर्य जो था उसको ताम्रवती नगरी कहते थे, क्योंकि यहां तांबा सर्वाधिक मात्रा में निकाला गया था, यानी कि तांबे की खाने, तांबे के साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले। दूसरा इसको आगाटपुर या आगट दुर्ग भी इसका प्राचीन नाम था, जो कि 10वीं व 11वीं शताब्दी में लिया जाता था। तीसरी चीज है धूलकोट, जो कि स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से कहते थे, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो सभ्यता थी आर्य सभ्यता में जब खोदी गई थी, खुदाई हुई थी, उस समय पर यहाँ पर रेत के टीले निकले थे, तो जिनको धूल के टीले धूलकोट कहा था स्थानीय लोगों ने, तो इसका प्राचीन नाम धूलकोट भी है। तो प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आगाटपुर या आगाट दुर्ग और धूलकोट आर्य सभ्यता के है। दूसरी चीज इसका उपनाम, उपनाम की बात की जाए तो इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसको आयर संस्कृति भी कहते हैं या आहार संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान उदयपुर नगर के पूर्व में स्थित आहार के स्थान पर उत्खनन से हुआ है, इसलिए इसे आयर संस्कृति या आहार संस्कृति कहते हैं। साथियों, धीरज लाल साकलिया ने वर्ष 1961-62 में आहड़ सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता का भी नाम दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहां पर इस सभ्यता में 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के प्रमाण मिले हैं, जिससे इसे धीरज लाल साकलिया ने मृतकों के टीला या मृतकों की टीलों की सभ्यता नाम दिया था। बात की जाए जो आपका आर्य सभ्यता है उसका स्थान, तो आर्य सभ्यता के स्थान जो है वो उदयपुर जिले में आयर नदी, बेड़च नदी या बनास नदी के आसपास का क्षेत्र आपकी आर्य सभ्यता का क्षेत्र है। उत्खननकर्ताओं की यदि बात करें तो उत्खननकर्ता आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो सर्वप्रथम आर्य सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो सर्वप्रथम किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। वर्ष 1954 में रतनचंद्र अग्रवाल
जिसको आरसी अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, ने धूलकोट नामक टीले का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन किया। इसी कारण से आरसी अग्रवाल को आहड़ सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। इसके बाद वर्ष 1961-62 में वीएन मिश्र व पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर एच डी संकालिया हसमुख धीरजलाल संकालिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता में खुदाई की गई। तो उत्खनन कार्य किस किसने सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में शुरू किया। उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल यानी कि आरसी अग्रवाल ने 1954 में, और उसके बाद 1961-62 में वीएन मिश्र व पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एच डी सकालिया ने के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य हुआ। इसके बाद भारत सरकार के विजय कुमार एवं पीसी चक्रवर्ती के नेतृत्व में भी आहड़ सभ्यता में उत्खनन कार्य किया गया। नोट, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना गया है, यानी कि ताम्रपाषाण काल जो है वो आहड़ सभ्यता के समृद्धि काल कहा गया है, उसको आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल कहा गया है। अब साथियों शुरू करते हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य व आहड़ सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। तो आहड़ सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक विशेषता यह थी कि यहां के लोग धातुकर्मी थे, और दूसरी विशेषता यह थी, धातुकर्मी कौन से थे, ताम्र धातुकर्मी थे, और दूसरी विशेषता यह थी कि आहड़ संस्कृति के लोग काले एवं लाल रंग के मृत पात्रों के उपयोगकर्ता थे। आहड़ की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण संस्कृति थी तथा पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आहड़ सभ्यता के जो मकान थे वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे तथा अधिकांश मकानों की संरचना आयताकार होती थी। आहड़ सभ्यता की जो बस्तियां थी उनके तीन स्तर मिले हैं। पहला स्तर था जिसमें मिट्टी और स्फटिक पत्थरों की अधिकता से उपकरण व औजार बनाने के प्रमाण मिले। दूसरा जो स्तर मिला है उसमें लोहे कांस्य व तांबे के उपकरण यानी कि लोहयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण मिले। और तीसरा मृदभांड, जिन पर जो बर्तन थे चित्रित बर्तन थे और उनका घरों में उपयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता तथा उनके प्रमाण भी मिले। इसके अलावा आहड़ सभ्यता की बात की जाए तो इसमें सामाजिक भोजन की व्यवस्था दिखती है, यानी कि सामूहिक भोजन की व्यवस्था आहड़ सभ्यता में दिखती है, क्योंकि इसकी जब खोज की गई थी, उत्खनन जब हुआ था आहड़ सभ्यता का, तो इसमें एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले थे, यानी कि एक रसोई में 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे, 4 चूल्हे या 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे तथा इनमें एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान भी मिले हैं। आहड़ जो कि बेडज नदी के किनारे स्थित तांबे की वस्तु बनाने वे काले पीले मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, इसके प्रमाण भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता के उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मुहरें प्राप्त हुई है। इनमें एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है। मुख पर जो मुद्रा है उसमें जो एक त्रिशूल और अपोलो अंकित है, अपोलो उसके मुख पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। और इस 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मुहरों के अलावा यहां से 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के उद्योगों की बात की जाए तो यहां अर्धगोलाकार आकृति की तांबा गलाने की भट्टियां मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आहड़ सभ्यता का प्रमुख उद्योग तांबे गलाना और उपकरण बनाना। कैसे उपकरण? क्योंकि यहां की खुदाई जब की गई थी तो खुदाई में तांबे के अस्त्र शस्त्र, छल्ले, सुरमे की सलाइया व तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो इससे सिद्ध होता है कि यहां का जो प्रमुख उद्योग था वो ताम्र उद्योग था। आहड़ सभ्यता के निवासी जो सव थे यानी कि मुर्दा जो इंसान थे, उनको कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिनका सिर उत्तर दिशा में व पैर दक्षिण दिशा में था। और यहां पर जब खुदाई की गई तो खुदाई में अनाज सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े मृदभांड मिले, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे के नाम से जाना जाता है।
पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आर्य संस्कृति के निवासी कृषि से परिचित थे, क्योंकि आर्य संस्कृति की खुदाई में गेहूं, चावल व ज्वार जैसे खाद्यान्नों के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के लोग रंगाई व छपाई से भी परिचित थे और इस सभ्यता की खुदाई में भवनों से मछली, भेड़, बकरी, भैंसा, कछुआ, हिरण, मुर्गी, सुअर आदि जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। जो बैल की आकृति है वो टेराकोटा पत्ती से निर्मित थी, इसलिए पुरातत्ववेत्ता इस आकृति को बनासियल बुल की संज्ञा देते हैं। आर्य सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े से भी परिचित थे और इस सभ्यता के लोग लाल, भूरे व काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। और इस सभ्यता के लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप पत्ती का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, ये थी आपकी आर्य सभ्यता, जिसके प्रमाणित साक्ष्य क्या क्या है, आर्य सभ्यता के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन कौन थे, आर्य सभ्यता की विशेषताएं क्या है और स्थान क्या क्या है। अब आगे आइए बात करते हैं हम साथियों बालाथल सभ्यता के बारे में। तो बालाथल सभ्यता की यदि बात की जाए तो बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, इसके खोजकर्ता व खननकर्ताओं की बात करें तो वर्ष 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर वी एस शिंदे, डॉक्टर आर के मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ है। बालाथल सभ्यता के स्थल की बात की जाए तो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में बालाथल नामक स्थान पर मिलती है, यानी कि इसकी जो खुदाई की गई थी वो बालाथल नामक एक गांव था, वहां पर इसकी खुदाई की गई थी। बालाथल सभ्यता उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता है, क्योंकि मार्च 1993 में बालाथल गांव के समीप एक टीले की लगभग 1400 वर्ग मीटर में खुदाई की गई थी, जिससे 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का पता चलता है। इसलिए इस सभ्यता को उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। बालाथल सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों की बात की जाए तो बैराट सभ्यता के बाद बालाथल सभ्यता में बुना हुआ वस्त्र मिला है, तो यानी कि यहां के जो लोग थे वो बुनकर प्रवृत्ति के थे। इसके अलावा गाय, कुत्ता व बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी की बनी सांड की आकृतियां भी बालाथल सभ्यता से मिली हैं। यहां पर 4000 वर्ष पुराना कंकाल का प्रमाण मिला है और इस कंकाल से ही हमें कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। बालाथल सभ्यता में दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिले और एक बड़ा और विशाल 11 भवनों का कमरा मिला है, यानी कि 11 भवनों का कमरा, बहुत बड़ा और विशाल कमरा मिला है। और इसमें कुछ अवशेष ऐसे भी हैं जो आर्य सभ्यता के समान ही हैं, बालाथल सभ्यता में वो भी अवशेष मिले। लोहा काल के स्तर से लाल रंग के मृदभांड मिले, यानी कि लाल रंग के मृदभांड मतलब बर्तन मिले, जिनकी ऊपरी किनारे पर ब्राह्मी लिपि में एम अक्षर खुदा हुआ है। जब बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ तो इस सभ्यता के उत्खनन में 3 तांबे के सिक्के और 2 मुद्राएं प्राप्त हुई। तांबे के जो सिक्के थे वो ढलवा तरह के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिनके एक और हाथी तथा दूसरी और 3 पहाड़ियां और चंद्रमा बना हुआ है। बालाथल सभ्यता के लोग विविध प्रकार के मृदभांड, पत्थर के मणके, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पशु की आकृतियां तथा ताम्र औजार बनाने में सक्षम थे। इस सभ्यता में इसके भी प्रमाण मिले हैं। जब यहां का उत्खनन किया गया तो उत्खनन में लोहा गलाने की 5 भट्टियों का अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और यहां उत्खनन से प्राप्त अस्थियों से 32 प्रजातियों के जानवरों की पहचान की गई है।
बालाथल की सभ्यता मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य प्रमाणित करती है, अर्थात इस सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, पशुपालन में भी उनका झुकाव था। तो साथियों, ये थी राजस्थान राज्य के बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ताओं के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा बालाथल सभ्यता के स्थान का है उसके बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि बालाथल सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रमाणित होता है कि यह बालाथल सभ्यता है। तो साथियों, अब शुरू करते हैं इसवाल सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले में ही स्थित है। इसवाल सभ्यता के स्थल की यदि बात की जाए तो इसका जो स्थल है उदयपुर जिले की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती इसवाल है, और इसवाल एक ऐसी बस्ती है जो कि 1 किलोमीटर लंबे व 0.5 किलोमीटर चौड़े भूभाग में फैली हुई है। इसवाल सभ्यता भी उदयपुर जिले की सभ्यता है, और इस सभ्यता की बात की जाए तो इस सभ्यता के जो प्राप्त साक्ष्य थे उनमें लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा यहां पर भवनों के अवशेष मिले हैं इसवाल सभ्यता में, चूल्हे तथा लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज मिली है वो जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जिनमें ऊंट का दांत महत्वपूर्ण साक्ष्य है इसवाल सभ्यता का। तो साथियों, ये थी हमारे राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की सभ्यताएं। उदयपुर जिले में 5 सभ्यताएं थी, इसवाल सभ्यता, आड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, झारोड़ सभ्यता, और एक पांचवी थी वल्लभनगर सभ्यता। और उनमें इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो 3 सभ्यताएं हैं, आड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, इसवाल सभ्यता। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं उदयपुर जिले की सभ्यताएं आहड़, बालाथल, इसवाल, वल्लभनगर, झाडोल से संबंधित प्रश्न उत्तरों की। क्वेश्चन संख्या 1 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? ए डॉक्टर आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, डॉक्टर एचडी साकलिया, अमलानंद घोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर आरसी अग्रवाल। साथियों, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन सर्वप्रथम किया था, लेकिन इसकी जो खोज का श्रेय है 1953 में उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने, 1954 में डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। तो खोजकर्ता डॉक्टर आरसी अग्रवाल है और उत्खननकर्ता, प्रथम सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रनगरी कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को, भादरा सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को, बैराट सभ्यता को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता हसमुख धीरज साकलिया, जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनकी पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन ए एसवेकेशन एंड आहड़, ब एसकेवेशन एंड आयड़, आगाटपुर, धूलकोट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब एसकेवेशन एवं एंड आयड़। उत्खननकर्ता हसमुख धीरज साकलिया, जिसे एचडी संकालिया के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पुस्तक का नाम था। किस सभ्यता के स्थल से ऊंट के दांत के अवशेष मिले हैं? नैनवा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, इसवाल सभ्यता, आहड़ सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन से, इसवाल सभ्यता से। आहड़, बालाथल, इसवाल आदि सभ्यताओं का संबंध किस जिले से है? राजसमंद, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सही उत्तर है ब उदयपुर जिले से। आहड़ सभ्यता किस नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी? माही नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, बनास नदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, बनास नदी से। निम्न में से कौन सी सभ्यता धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध है? कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता। और सही उत्तर है आहड़ सभ्यता। एक घर में, एक रसोई में 4 से 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बागोर, आहड़, गिलुंड, इसवाल।
और इसका सही उत्तर है बैआड़ से। निम्न में से आहाड़ का प्राचीन नाम था, ए अघाटपुर, ब धूलकोट, से बैराट, द ताम्रनगरी। साथियों अघाटपुर, धूलकोट, ताम्रनगरी ये सभी जो नाम है वो आहाड़ के नाम है, यानी कि आहाड़ संस्कृति के नाम है, लेकिन प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसे ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता था। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन द ताम्रनगरी। आहाड़ सभ्यता की किस प्रकार की विशेष सभ्यता माना जाता है, आहाड़ सभ्यता को किस प्रकार की विशेष सभ्यता माना जाता है? लोह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, प्रस्तर युगीन सभ्यता। सही उत्तर ऑप्शन है ताम्र युगीन सभ्यता। आहाड़ सभ्यता के लोग किस खाद्यान्न से परिचित थे? चावल, बाजरा, मक्का, जौ। और सही उत्तर है ऑप्शन है चावल से। प्रोफेसर एच डी साकालिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था? बालाथल, आहाड़, कालीबंगा, रंगमहल। सही उत्तर है ऑप्शन ब आहाड़ का। किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? आहाड़ सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बागोर सभ्यता, सुनारी सभ्यता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए आहाड़ सभ्यता। राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आहाड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, इस्वाल सभ्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बालाथल सभ्यता में। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, आहाड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता। तो इसका जो सही उत्तर की यदि बात की जाए तो सही उत्तर है ऑप्शन से आहाड़ सभ्यता। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहां स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद, उदयपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयपुर जिले में झाड़ोल स्थित है। इसके अलावा इस्वाल, आहाड़, बालाथल और वल्लभ नगर भी उदयपुर जिले में स्थित है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति, आहाड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन से आहाड़ संस्कृति। अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओझियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, आहाड़ सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन द आहाड़ सभ्यता से। किस सभ्यता के निवासी सवों को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे जिनका सिर उत्तर दिशा में व पैर दक्षिण दिशा में होता था? आहाड़ सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, बागोर सभ्यता, सुनारी सभ्यता। और सही उत्तर है ऑप्शन है आहाड़ सभ्यता। और आज का और इसका लास्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग अपने घरों से गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप पत्ती का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, आहाड़ सभ्यता के लोग और बैराट सभ्यता के लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन से आहाड़ सभ्यता के लोग। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की आहाड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, इस्वाल सभ्यता, वल्लभ नगर सभ्यता और झाड़ोल सभ्यता से संबंधित था। यहां पर हमने पढ़ा कि इन सभ्यता के खोजकर्ता कौन कौन थे, यानी कि उदयपुर जिले की जो सभ्यताएं थी उनके खोजकर्ता कौन कौन थे। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे और इन सभ्यताओं से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन हमने पढ़े राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की सभ्यताओं से। तो साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, घंटा आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए जितने भी अपडेट्स हैं, नए अपडेट्स हैं, उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही मेरा ये यूट्यूब चैनल है यूवी कॉम्पिटिशंस जो आप सर्च कर भी सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान अध्ययन सर्च करके भी हमारा चैनल पा सकते हैं। साथियों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
हमने दो सभ्यताएं पढ़ ली है, एक तो हनुमानगढ़ जिले की सभ्यता है और उसके क्वेश्चन भी पढ़ लिए, साथ ही साथ हमने पढ़ लिए उदयपुर जिले की सभ्यता और उसके क्वेश्चंस, जिनमें प्रमुख जो सभ्यताएं वो चार सभ्यताएं प्रमुख थी जो आ चुकी हैं, जो पढ़ चुके हैं हम, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और इसके अलावा बालाथल सभ्यता, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अन्य आने वाली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता और अन्य विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को पढ़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।